Drop it. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक बाइट्स में। इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे Realme U1 को, जो कि मैंने Amazon से मंगाया था। चलिए दोस्तों, इसको अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों, वो इस पैकेट के अंदर है हमारा Realme U1। पर ये ढंग से अनबॉक्स नहीं हुआ है दोस्तों, मैं इसको ढंग से अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये रहा हमारा Realme U1 का डब्बा, और ये रहा दोस्तों इसका बिल, जो कि ढंग से नहीं, ढंग से है, मुझे लगा कहीं फटा हुआ है। दोस्तों ये रहा बिल, ये कागज और ये सारे सिस्टम को साइड में रखते हैं। दोस्तों एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे है Realme की ब्रांडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है U1, और ये साइड में भी लिखा हुआ है Realme U1, और जो यहाँ पे है लिखा हुआ एम्बिशियस ब्लैक कलर है ये। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिल रहा है, और जो बाकी सिस्टम है वो अपने बाद में देख लेंगे। दोस्तों इसको हम जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के लिए पहले अपने को यहाँ से काटना होगा, ठीक है दोस्तों। मैं अब इसको काटने जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम इसको काट देते हैं यहाँ से, साइडों में से इसकी सीलिंग को ब्रेक कर देते हैं। दोस्तों अब हमारे सामने आने वाला है Realme U1। दोस्तों इसका डब्बा, और ये खुल रहा है और ये खुल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले ये डिब्बी सी है। इस डिब्बी के अंदर हमको मिलेगा सिम इजेक्टर टूल, और साथ में आपको पता ही है एक नॉर्मल नहीं हार्ड ही है ये बैक कवर, और साथ में एक क्विक स्टार्ट मैनुअल गाइड्स। दोस्तों इसको भी साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमारा मेन हाइलाइटेड फ़ोन, एक बार इसको भी साइड में रखते हैं दोस्तों, इसकी बात हम बाद में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीम्स एम्बिशन करेज पावर पैशन वी फिट इट ऑल इन वन बॉक्स। तो दोस्तों ये कुछ कहना है Realme U1 का। तो दोस्तों यहाँ पे हमें चार्जर मिलता है, और चार्जर मिलता है कितने वोट का? तो दोस्तों ये है 5W 2A का चार्जर। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। और दोस्तों ये केबल है जो हमारे चार्जर के साथ लगेगी और हमारे फ़ोन को चार्ज करेगी, और इसे हम डाटा केबल के यूज़ दोस्तों आपको ये एक डाटा केबल भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको, इसको भी हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे जो हाइलाइटेड फ़ोन की। तो दोस्तों मैं इसको, इसकी रैपिंग को उखाड़ देता हूँ, ताकि हम ढंग से अपने फ़ोन को देख पाएँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा फ़ोन, कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए यहाँ पे है फिंगरप्रिंट स्कैनर, और ये रे ड्यूल रेयर कैमरास, और ये रही Realme की ब्रांडिंग। और दोस्तों फ्रंट में ये रहा आपको कुछ ऐसा मिलेगा। दोस्तों इसको मैं जल्दी से बूट करता हूँ, देखता हूँ बैटरी है या नहीं। हाँ तो दोस्तों ये बूट हो चुका है। दोस्तों आपको यहाँ पे Realme दिख रहा है। तो दोस्तों अब मैं इसको जल्दी से सेट कर देता हूँ।
मैं इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक को मतलब सेट कर देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों हमारा पूरा सिक्योर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, इसको यूज़ में कर लिया 1 2 3 4 5 6। और अब मैं दोस्तों जल्दी से फिंगरप्रिंट सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये बड़ी जल्दी से सेट हो चुका है। और दोस्तों हम करते हैं कंटिन्यू। दोस्तों अब करते हैं कंटिन्यू और अब मैं सेट करूँगा फेस अनलॉक को। तो दोस्तों फेस अनलॉक भी जल्दी से सेट हो गया है। दोस्तों अब सीधा फोन के अंदर में जाते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा फ्रंट पैनल, आपको देखने को मिलता है जो कि जब हम करते हैं नया नया अपना फ़ोन बूट। तो दोस्तों अब हम जल्दी से सेटिंग्स में जाके देखते हैं इसका वर्जन। तो दोस्तों इसका वर्जन वर्जन और सब कुछ अपने देखते हैं जल्दी से सेटिंग में जाके। और यहाँ में भी मैं गया अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन किधर है? तो दोस्तों ये रहा अबाउट फ़ोन। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कलर ओएस 5.2 और दोस्तों एंड्रॉयड वर्जन है वही 8.1 ओरियो वर्जन। और दोस्तों जो प्रोसेसर है वो एक ओक्टा कोर प्रोसेसर है और जो कि लेटेस्ट मीडिया टेक P70 है। P60 से मतलब जो बग्स थे उसको फिक्स कर दिया गया है और अब ये नया प्रोसेसर बन गया है। तो दोस्तों जो ये वेरिएंट है वो है 4 GB RAM और 64 GB ROM वाला। तो दोस्तों ये था आपको दिख गया अबाउट फोन से, अब निकलते हैं बाहर। और दोस्तों अब मैं जाता हूँ इसका मेन हाइलाइटेड जो कैमरा है। दोस्तों अब मैं एक सेल्फी खींचता हूँ सबसे पहले। दोस्तों मैंने सेल्फी ले ली है ये, और ये री आपको दिख रही है कितनी क्लियर आए हैं। और ये डिटेल्स देखिए कितनी बड़ी। मैं रियर कैमरा से शॉट क्लिक करने जा रहा हूँ, सीधा नॉर्मल शॉट। दोस्तों मैं इस गुड्डे की फ़ोटो खींच रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये फ़ोटो कैसी आई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोटो बड़ी क्लियर आई है, कैमरा में ढंग से दिख नहीं रही, बहुत ही क्लियर है ये। देखिए आप, अब आप इसको ढंग से देख पाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको कुछ सैम्पल शॉट्स भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आपकी स्क्रीन में आने वाले हैं सैम्पल शॉट्स। तो दोस्तों ये रहे सैम्पल शॉट्स रियर और फ्रंट कैमरा से खींचे गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों कैमरा सेटअप तो हमने चेक कर लिए, अब हम इसकी सिक्योरिटी को चेक करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं चेक करूंगा इसके फेस अनलॉक को। तो दोस्तों अभी मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ और मतलब जैसे ही मैंने देखा तो ये अनलॉक हो गया। और एक बार मैं इसको फिर से चेक करूँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंस्टेंट अनलॉक हो जाता है। अब मैं इसके फिंगरप्रिंट को चेक करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट है फिंगरप्रिंट स्कैनर भी फेस अनलॉक की तरह। तो ये है Realme U1। अगर आपने Realme 2 Pro परचेज कर लिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी सिमिलर ही है इसके। बस इसमें जो दो फीचर मतलब ज़्यादा हैं वो है 25 MP का फ्रंट कैमरा और जो इसका मीडिया टेक का Helio P70 है प्रोसेसर, वो इसका मेन हाइलाइटेड फीचर्स हैं। तो दोस्तों ये था Realme U1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलूँगा आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।